हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित चावला और आप लोग देख रहे हैं हैक एंड चेक। आज के इस एपिसोड में हम लोग चेक टेक टॉक में बात करने वाले हैं लाईफाई के बारे में। लाईफाई को आप लाइट फिडेलिटी भी बोल सकते हैं या आप इसे वाईफाई का अपग्रेड वर्जन भी बोल सकते हैं। वाईफाई में रेडियो वेव से डेटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हमारे आसपास में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस की वजह से उसकी पावर कम होती है। लेकिन लाईफाई में विजिबल लाइट से डेटा ट्रांसफ़र होगा या एलईडी बल्ब से भी काम कर सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कि काम कैसे करेगा, मीन्स हाउ इट विल वर्क। लाईफाई में एलईडी लाइट बल्ब से विजिबिलिटी लाइट स्पेक्ट्रम नेटवर्क बनाया जाता है। इसी से डेटा ट्रांसफ़र होता है। कनेक्ट किए गए डिवाइस में फोटो डिटेक्टर्स होते हैं जो सिग्नल पढ़कर ज़रूरी जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। लाइट वेव्स को ज़रूरत के हिसाब से मॉड्यूलेट भी किया जा सकता है। अच्छा खासा डेटा बल्ब झपकते ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे बड़ा फ़ायदा स्पीड का होगा। इसमें इतनी क्षमता है कि आप 1 सेकंड में 1.5 GB डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। विजिबल लाइट का होना ज़रूरी होगा, यानी दीवार के पार सिग्नल नहीं मिलेगा। लेकिन सेफ्टी के नज़रिए से देखा जाए तो किसी के लिए भी नेटवर्क में घुसना नामुमकिन हो जाएगा। डेटा कम्युनिकेशन को मॉनिटर करना आसान होगा। लाइट वेव्स का स्वास्थ्य पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। हॉस्पिटल प्लान जैसे जगहों पर भी उपयोग आसानी से होगा। आइए हम बात करते हैं कुछ माइनर प्रॉब्लम्स के बारे में। लाईफाई का उपयोग करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास फ़िलहाल कम है। वाईफाई से लाईफाई स्विच करना आसान नहीं होगा। घर की बजाय इंडस्ट्री और ऑफिस के वातावरण में इसका ज़्यादा महत्व है। तो अगर आपको हमारा वीडियो यूज़फुल हुआ तो हमारे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलेगा। और अगर कोई क्वायरीज है तो कमेंट कीजिए।